हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, यदि आप जीके पढ़ना पसंद करते हो तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में कुछ इंटरेस्टिंग सवाल पूछूंगी और उसके साथ में जवाब भी बताऊंगी। लेकिन उससे पहले, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में घंटी को भी दबा लें, क्योंकि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए इस वीडियो को अब शुरू करते हैं। सवाल नंबर फर्स्ट, ऐसा कौन सा जानवर है जो 30 फीट तक छलांग मार सकता है? सही जवाब हो जाएगा कंगारू। सवाल नंबर दो, महात्मा गांधी जी का जन्म भारत के किस राज्य में हुआ है? दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा गुजरात राज्य में। सवाल नंबर तीन, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सही जवाब हो जाएगा सरनाथ में। सवाल नंबर चार, भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा चाय की खेती की जाती है? सही जवाब हो जाएगा असम राज्य में। सवाल नंबर पांच, भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मुंबई में। सवाल नंबर छह, भारत का पहला गृह मंत्री कौन था? दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर लेना। सही जवाब हो जाएगा वल्लभ भाई पटेल। सवाल नंबर सात, बंदर का औसतन जीवन काल कितने वर्ष का होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 25 वर्ष का। सवाल नंबर आठ, भारत की तीसरी सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? दोस्तों, इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा तेलुगु। सवाल नंबर नौ, नवोदय विद्यालय में दाखिला किस कक्षा में होता है? हो जाएगा छठवीं में। सवाल नंबर दस, डॉक्टर अंबेडकर का जन्म स्थान कहां पर है? दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। सवाल नंबर ग्यारह, किस देश की सरकार बच्चा पैदा करने पर इनाम देती है? सही जवाब हो जाएगा सिंगापुर। सवाल नंबर 12, भारत के किस राज्य में तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है? सही जवाब हो जाएगा मणिपुर में। सवाल नंबर 13, भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? सही जवाब हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। सवाल नंबर 14, भारत में सबसे पहले सूर्य उदय किस राज्य में होता है? सही जवाब हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। सवाल नंबर 15, किस जानवर को भूकंप आने से पहले ही पता चल जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मछलियों को।
सवाल नंबर 16, दुनिया का सबसे सुरक्षित देश किसे माना जाता है? सही जवाब हो जाएगा जापान को। सवाल नंबर 17, किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है? सही जवाब हो जाएगा मंगल ग्रह को। सवाल नंबर 18, कौन सा फल खून की कमी को पूरा कर देता है? सही जवाब हो जाएगा अनार। सवाल नंबर 19, भारत का राष्ट्रगान पहली बार कहां पर गाया गया था? सही जवाब हो जाएगा कोलकाता में। सवाल नंबर 20, किस चीज में प्रोटीन नहीं पाया जाता है? सही जवाब हो जाएगा चावल में। सवाल नंबर 21, कौन सा जानवर मरने के बाद भी खड़ा रहता है? सही जवाब हो जाएगा घोड़ा। सवाल नंबर 22, किस देश में रात को 12 बजे सूर्य निकलता है? सही जवाब हो जाएगा नॉर्वे देश में। सवाल नंबर 23, भारत देश की राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? सही जवाब हो जाएगा गंगा डॉल्फिन। सवाल नंबर 24, चाय की खोज किस देश में हुई थी? सही जवाब हो जाएगा घोंसला। सवाल नंबर 25, भगवान राम कितने भाई थे? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कमेंट करने से पहले हैशटैग जीके स्टडी अड्डा लगाना है। सवाल नंबर 26, घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा है? दोस्तों, आपने कितने क्वेश्चन का सही आंसर दिया है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। सही जवाब हो जाएगा किंग कोबरा। सवाल नंबर 27, किस देश में उड़ने वाली कार बना ली गई है? सही जवाब हो जाएगा जापान देश में। सवाल नंबर 28, कोयल किस राज्य की राजकीय पक्षी है? सही जवाब हो जाएगा झारखंड। सवाल नंबर 29, कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना और आपने कितने क्वेश्चन का सही आंसर दिया है 30 में से, ये भी कमेंट में जरूर बताना। तो सही जवाब हो जाएगा चीन देश में। सवाल नंबर 30, भारत के किस राज्य में सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है? सही जवाब हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। सवाल नंबर 31, पत्नी हमेशा अपने पति के बाएं ओर ही क्यों सोती है?
तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा पत्नी अर्धांगिनी होती है, इसीलिए।